शैतान को अपनी ताकत का बड़ा गुमान होता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि एक छोटा सा कांटा उसे ज्यादा दर्द दे सकता है। इसलिए जब तुम शैतान से लड़ रहे हो तो सबसे पहले उसे यह दिखाओ कि तुम उसे डर रहे हो, उसके बाद उसके पैरों को पकड़ने के लिए नीचे झुको और फिर चुपके से उसके पैरों की उंगलों के बीच में कांटा घुसा दो, क्योंकि यही वो जगह है जहां हाथ ठीक से पहुंच नहीं पाता और दर्द सबसे ज्यादा होता है। यकीनन ऐसा करने के बाद वो शैतान पागल हो जाएगा और तुम पर और जोर से वार करेगा, लेकिन तब भी तुम उससे लड़ना नहीं है, क्योंकि अगर लड़ोगे तो कभी जीत नहीं पाओगे। मौका परस्त बनो, क्योंकि मौका परस्त ही तुम्हें वहां पहुंचा सकती है जहां तुम मेहनत करने के बावजूद भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब वो शैतान तुम पर और जोर से वार कर रहा हो तब सिर्फ बचो, और जब वो थक जाए तो उसे खत्म कर दो।